जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेकअप कर रहे हैं अपना, ब्राउन लेंजेस है हमारी, ब्लैक हमने भड़ भड़ के काजल लगाया है, आपको पसंद आए तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले हमने डार्क शेड का कंसीलर लगा लिया, जो भी कोई निशान थे पिंपल के कुछ भी उसको हाइड करने के लिए, ठीक है। लिक्विड वाली एक साइड है, ये 3-in-1 हुदा ब्यूटी का कंसीलर है डार्क शेड में। हम इसको टैप 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 करेंगे। इसके ऊपर हमने डर्माकोल क्रीम लगाई है, 212 इसका शेड है, नॉर्मल स्किन टोन के लिए है। इसको अच्छे से लगा के इसको भी टैप 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 कर लिया। अब हमने लाइट शेड लिया है कंसीलर का, जिसको हमने आईलिड पे और अंडर आई अप्लाई किया है, फॉरहेड पे, नोज़ पे, जो सी जगह हमने इन्हेंस करनी होती है उस पर हम लाइट शेड लगाते हैं। अब हमने ले लिया है एसेंस का ट्रांसक्यूलेंट पाउडर, उससे हमने पूरा फेस बेक कर लिया है, ऑयल वगैरह सारा कुछ छुप जाएगा इससे। अब हमने अपनी ब्रो को कलर से शेप दे दी है, ब्राउन शेड है मेरे पास, पाउडर शेड है, जेल नहीं है ये। अच्छे से हमने इसको फिल कर लिया है, जहाँ जहाँ पे हमारे आईब्रो के बाल नहीं है उसको अच्छे से फिल कर लिया है। बस लाइट से करना है, इतना भी ज़्यादा डार्क नहीं करना कि वो शार्प सी लुक आए। फिर राउंड ब्रश के साथ इसको एक जैसा इक्वल कर लिया। अब हमने डार्क ब्राउन शेड उठाया और उसके साथ क्रीज बनाई, टन टन क्रीज बना ली अच्छे से। अब हमने उषा की आई शेडो किट में से एक ड्यू ग्रीन कलर लिया, फिंगर से टैप 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 किया, फिंगर से बड़ा अच्छा लगता है आईलिड पे। क्रीज के लिए राउंड ब्रश यूज़ होता है और मैं आईलिड के लिए फ्लैट ब्रश यूज़ करती हूँ, या तो मैं अपनी फिंगर ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा अच्छा लगता है। पीछे बच्चों ने उधर मचाया हुआ है। अच्छा, अंडर आई पे भी हमने ब्राउन शेड अप्लाई कर दिया है, जो हमने ऊपर क्रीज के लिए यूज़ किया था। अब हमने हाशमी सुपर डुपर काजल लिया है, जो ईजीली लग जाता है। उसकी सिलाई से थोड़ी सी नोक बाहर निकाल ली, जिससे हमें लाइनर लगाने के लिए इजी हो जाएगा। अब हमने एज 36 का हमने मार्कर लाइनर लिया, उससे हम लाइनर लगाएंगे दोनों साइडों पे। जी ये लग गया। अब हमने कर्लर से लैश को कर्ल किया, इसके ऊपर अब हम मस्कारा अप्लाई करेंगे भड़ भड़ के। आई लव मस्कारा। भर भर के लगा लिया, ठीक हो गया जी। अब हम थोड़ा सा कंसीलर लगाएंगे नीचे इसको क्लियर करने के लिए, थोड़ा सा आई शेड वगैरह जो भी फैल गया था उसके नीट करने के लिए। अब हमने हाइलाइटर लिया, जो हमने ब्रो बॉन पे लगाया, हमने चीक पराडा का ब्लशन और कंटोर पैलेट लिया, कंटोर करेंगे नोज़ को, साइडों से कंटोर करेंगे जी। फिर हमने ईयर से लेके ये चीक बोन सी है यहाँ तक कंटोर किया, बड़े मज़े का ब्रश से कंटोर, बड़ा अच्छा होता है, बिल्कुल सीधा एक स्ट्रेट लाइन में। चीक बोन को भी कंटोर किया, और अब हम इसी का ही पिंक शेड का ब्लशन लगाएंगे। जहाँ पे हम कंटोर करते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर रख के हम ब्लशन लगाते हैं, ठीक है। ब्लशन के शेड को और कंटोर के शेड को हम मर्ज कर देते हैं। थोड़ा सा नोज़ी पे भी लगाया, सेम सेम हो गया, ठीक है। अब हम हाइलाइटर लगाएंगे, और ब्लशन के ऊपर हाइलाइटर लगता है ऊपर वाली लाइन पर, देखिए 3 lines हो गई। सबसे पहले कंटोर, उससे ऊपर ब्लशन, ब्लशन से ऊपर हाइलाइटर,
जी अब हम लिपस्टिक पे आएंगे। फॉर्म फ्लॉमर की हमारे पास लिप पेंसिल है और डोरा की रॉसबेरी शेड की लिपस्टिक इस ब्राउन के ऊपर ही मैं अप्लाई कर दूंगी। पता नहीं मैं दिखा रहा हूँ, रॉसबेरी शेड है इसका, बहुत ही ज़बरदस्त सुरीली अखियों वाले सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदे और नींदों में सपने कभी तो किनारे पे उतर मेरे सपनों से आजा जमीन पे।